डॉक्टर ने मरने से खुद किया है। अयोध्या ये सब बिल्कुल ठीक हो जाएगा। हाँ बेटा। बेटा मैं सच कह रहा हूँ, विश्वास कर पा रहा हूँ। मैंने आपकी बात पूरा विश्वास से पापा। अरे आपको तो मैंने खुद अपने पैरों पे चलते हुए देखा है, फिर अपनी बारी में हिम्मत कैसे हार सकता हूँ। मन्ने तो अपने पैरों पर दोबारा खड़ी करने वाली हो जो देवांशी से बैठे, पर इसने तो वो चमत्कार कर दिखाया से जो बरसों पहले सावित्री ने किया। इसके यहां रहते हुए कुछ भी गलत नहीं हो सकता। अगर रोना है तो हमारी तरफ देख के रो लो। ये बार बार आंसू पोंछने के लिए उधर देखोगे, गर्दन पे बल पड़ गया तो। मैं अभी आया बेटे। मैया, यो आपका आशीर्वाद और देवांशी का विश्वास ही से कि बनने वाला बेटा वापिस मिल गया से। वो दुख, वो दर्द, वो तकलीफ जो मन्ने बरसों बिस्तर पर रह के झेली से, मारे बेटे की किस्मत में ना लिखना भैया, उसे ठीक कर दे। और कुसुम सुंदरी के पापों ने नजरअंदाज ना करना इस बार मैया। देवांशी ने उसके खिलाफ सारे सबूत इकट्ठा कर लिए थे, फिर भी वो वापस आ गई। इस बार मन्ने मारे बेटे के लिए न्याय चाहिए मैया। हर हाल में मन्ने न्याय चाहिए, हर हाल में। तन फिर आ गया कोई नया पाप करने? अरे मैया से तो डर, जो मारे बेटे की हालत से ना, उसका तू भी बराबर का जिम्मेदार से। कौन गलत से और कौन सही, इसका फैसला मारी गांव की पुलिस करे, और ना कि तेरी यो घूंगड़ वाली मैया। अरे देखिया तन्ने, हम लोग पुलिस की नजरों से बच सकते हो, लेकिन मैया की नजरों से नहीं। और इस बार हम लोगों को दीवानसी नहीं छोड़ने वाली, चाहे जितनी कोशिश कर लो। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। आप नहीं, नहीं आप तो इतने बड़े मंत्री हो, क्या परेशानी हो सके से रज्जू ने। जी वैसे तो मुश्किल आपने आज मेरी बहुत बड़ी हल कर दी, वरना वो सुसरी वीडियो तो सीधे मेरी जेल का टिकट थी। आप रज्जू को प्यार दीजिएगा। सुसरी देवांशी की वजह से इस घमंडी मंत्री के सामने हाथ पैर जोड़ने पड़े मन्ने, लेकिन उसके सिवाय मन्ने कोई और बचा भी नहीं सकता था। देखो मां सुंदरी, आपके खिलाफ इतना बड़ा सबूत मिले से कि मैं चाह के भी आपकी मदद नहीं कर सकता। इसका मतलब इतने सालों से जो थम सबने ठूस ठूस के पैसे खिला रही सो, वो सब बेकार। मैं तो कब से आपके साथ खड़ा हूँ, लेकिन क्या है ना कि रपट जो है शहर के थाने में लिखवाए गए, और वहाँ किसी भी वक्त अगर बड़े अफसरों को पता चल गया ना कि मैंने कुछ किया है, तो मेरी तो नौकरी चली जाएगी। आप समझ रहे ना माता कुसुम सुंदरी, अगर वो वीडियो शहर तक पहुंच गया तो मेरी गद्दी जावेगी। तो एक ही इंसान से जो मन्ने बचा सके से, और उस कमीने की मदद नहीं लेना चाहती मैं, और कोई रास्ता भी तो नहीं बचा से मेरे पास। दिमाग खराब कर दिया तेरे यो बड़ा पति ने मेरा, तेरे पसली का आदमी मारे से पंगा ले रहा है। दिमाग तो मेरा भी खराब हो रहा कैसे मोहन, जेल जाने से बचने के खातिर उस मंत्री के सामने मन्ने गिड़गिड़ाना पड़ा। भले यो मरी जीत से, लेकिन तू
तेरी भी तो चाल बेकार होगी ना एकदम। क्या कहना चाहे तू? नहीं क्या कहना चाहे तू? यो सुन मारी बात, मुर्दा अगर खड़े होके चल गया ना तब मैं क्या करूं? हैं मैं क्या करूं? बोल ना मारे को। और सुन मारी बात, इज्जत से बात कर मारे से, इज्जत से। इज्जत देवेगी, इज्जत पावेगी और साथ पावेगी यो मोहन का। अरे हाँ हाँ जानू, बहुत बड़ा तोप है तू, इतना ही बड़ा फन्ने कहां से है? तो रोक रोक देवांशी ने मार दी करने से। जो तूने ऐसा कर दिया ना मोहन, तो जैसा चाहेगा वैसा होगा, जो तू चाहेगा वो तन्ने मिलेगा, लेकिन देवांशी मारती हुई नहीं आनी चाहिए। अन्य शिखर ने बताया किस तरह तूने मारे मुर्दे शरीर में दोबारा जान डालती। ऐसे तो इन चमत्कारों पे मन ने कोई विश्वास ना है। तन्ने जो किया उसके लिए मारे पास कोई शब्द ना है। बस इतना ही कहना चाहूंगा, जो थारा प्यार ही से जिसकी वजह से मैं वापस लौट आया। क्या बात से? तन्ने देख के तो यो लागे से जैसे मन ने धमकाने आया से फिरते। वैसे किस बात की धमकी? बरदान की ऐसी हालत के लिए या फिर जो बाजी मन ने पलट के जीत ली से उसके लिए? भाई तन्ने अपनी जीत की गलतफहमी कैसे हो गई कसुम? तन देवांशी और वरदान ने मारना चाहती थी, वो नहीं कर पाई। उनकी शादी रुकवाना चाहती थी, वो भी नहीं रुकवा पाई। फिर किस बात की गलतफहमी है? किस जीत की बात कर रही है? हाँ वरदान ने तन्ने जरूर थोड़ा नुकसान पहुंचाया से, पर वो भी अपने पैरों पर जल्दी खड़ा हो जाएगा। पर जो सदमा तन्ने गांव वालों ने दिया से ना, उसका क्या कसूर? गांव वाले चावे से कि थारी गद्दी पे देवांशी बैठे। वो गांव वाले देवांशी से महाआरती करवाना चावे से के उसका। गलतफहमी तो तन्ने हुई से पढ़ाओ कि देवांशी महाआरती करेगी। अरे अपने लाचार बीमार अधमरे पति ने छोड़ के हर कोई माता कुसुम सुंदरी ना हो वैसे, जो अपने पति की भी कुर्बानी दे दे गांव वालों की भलाई के खातिर। गांव वालों की भलाई के खातिर अरे तन्ने कितने साल बिस्तर में तड़पने के लिए छोड़ दिया था मन्ने? याद से ना, मेरे जैसे महान बनने के लिए दिल पत्थर का होना चाहिए, जो देवांशी का बिल्कुल ना सह। वो तो वरदान से प्यार करे से, अंधी से उसके प्यार में। इस वक्त उसने सिर्फ वरदान और वरदान दिखे से, महाआरती नहीं। बेचारी तेरी देवांशी। अपने दिल पे पत्थर रख के है ना इस व्हील चेयर ने लाया मैं। बैठे ईश्वर जी, घुट घुट के जीते रहे इस पे। और एक तू उस बच्चे ने देखना पड़ रहा है जिसने तो अपनी आंखों के सामने पैदा होते हुए देखा मैंने। इसे उठा और बाहर निकल, मरने ना चाहिए। यो कैसी बात कर रहे तू? मतलब के यो बिस्तर पे तू सारी जिंदगी पड़ा रहेगा और ना कहीं तो नहीं ना कि तन्ने डर लग रहा से है वरदान? तू है ना अपनी सारी जिंदगी यो बिस्तर पे बैठ के गुजार नहीं सकता, और मन ने भरोसा से ना हमारे वरदान पे कि यो कुर्सी पे ना तू उठ के बैठेगा। चला मैं मदद करूं तेरी, आजा। मन्नी बोला ना बाहर निकल कब से। नहीं वरदान, मन ने भरोसा थे तेरे पे, तू कर ले बेटा, तू कर सके। चल वरदान आजा, चल 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 आजा आजा वरदान, चल वरदान आजा 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 आजा। आजा आजा।
मेरे वरदान से दूर रहो नहीं तो। यो सुन, यो बखत ठंडे दिमाग से काम लेने कसे। अरे दो मन नहीं हो, वरदान की मदद करने की कोशिश कर रहा। मैं एक बात आपने कहूँ ना कि इब से वरदान का एक लोता सहारा ना यो यो व्हीलचेयर से। कोई मदद की जरूरत ना से आपकी, और ना ही जे व्हीलचेयर। मैं हूँ वरदान की मदद के लिए। वरदान ने तो 24 घंटे मदद की जरूरत पड़ेगी, इब के पूरा टाइम तो रहेगी उसके साथ। मन्ने कहा आप जाइए यहाँ से, प्लीज चले जाइए। यो वैसे कुर्सी पे बैठ रहे ना एक बार, बड़े आरामदायक थे। पता माता कुसुम सुंदरी, वक्त आ गया है क्योंकि महाआरती इब आपके ही हाथों से संभव से। देवान से नहीं आवे क्योंकि उसकी जिस दुखती रख पे मैंने वार किया से ना, मन ने तो नहीं लागे कि वो आवे। अरे भाई हम लोग फिकर क्यों कर रहे हो, देवांशी महाआरती के लिए आवेगी। अरे कैसे आवेगी जेठ जी, कैसे आवेगी। अरे कब थे वो वरदान के साथ अपने कमरे में बंद से, और दरवाजा भी नहीं खोल रही। मन नहीं लगता वो आप आवेगी। पर आप तो कह रहे थे वो महाआरती में जरूर आवेगी। पर मैं कह रही हूँ ना वो नहीं आवेगी, इसका मतलब नहीं आवेगी। नूतन यो तो ना अपने दिमाग से सोचा से कि वो नहीं आवेगी, या खुद आके देवांशी ने तने किया से कि वो नहीं आवेगी। नहीं ऐसा तो नहीं किया था, पर जब मैं कह रहा हूँ आवेगी तो जरूर आवेगी। और तने यो सब अपने दिमाग से सोचने की जरूरत ना से, ऐसे फैसले तू अपने दिमाग से ना किया कर। आप सब लोग मंदिर में पधारो, वो आवेगी। ठीक है? मैं तो ठीक हूं, पर तन्ने क्यों आया? मन्ने क्यों आया वरदान? मैं भी एकदम ठीक हूँ। तूने देखा नहीं कैसे मोहन को कमरे से भगा दिया? ये जो मुस्कुराहट है ना, इसने हमेशा अपने चेहरे पर रखना। और मैं भी तेरे से वादा करती हूँ कि तेरे चेहरे पे मुस्कुराहट देखने के लिए दिन रात एक कर दूंगी। देवन से मन्ने तेरे से कुछ चाहिए। बोला वरदान, क्या चाहिए तन्ने? याद है मैंने तुझे एक वादा किया था, आज मुझे उस वादे से आजादी चाहिए। वो वादा कि मैं ये गांव छोड़ के कभी ना जाऊंगा। तो तन्ने भी मेरे से एक वादा करना होगा कि शादी के बाद इस गांव ने छोड़ने के लिए ना कहेगा। अरे पर इस गांव में वरदान वादा कर। मैं यहाँ नहीं रहना चाहता, मैं किसी पे बोझ बन के नहीं रह पाऊंगा। अगर तू हमारे साथ है ना
तो मन में और कुछ नहीं चाहिए। हेलो। अरे देवांशी बेटा, कहाँ से तू? मंदिर जाने के लिए देर हो रही से। सारा गांव महाआरती के लिए थारा इंतजार कर रहा से। महाआरती कैसे कर पाएगी? मेरा मतलब है कि अपने पति ने इस हाल में छोड़ के तो नहीं आ पाएगी तू? कब आएगी वो? समय हो चुका है आरती का। मन्ने नहीं लग रहा आने वाली सा। माता देवांशी अभी तक क्यों नहीं आई? कहां रह गई वो? अरे जी जी, महाआरती का वक्त हो गया से। और देवांशी का तो पता ना है। इब आप क्या कहेंगे इन लोगों से? मेरा मतलब से कि देवांशी आ तो रही है ना? वैसे भैया बुढ़ाऊ के पास मुंह लटकाने के अलावा कैसे है? वैसे मन नहीं लगता कि देवान से महाआरती में आ पाएगी। बरदान ने ऐसी हालत में छोड़ के कहां उसने महाआरती का होश होगा? लेकिन आप सबकी बात भी ठीक से, महाआरती ने अधूरा भी नहीं छोड़ सकते। मैया नाराज हो जाएगी। देख लो, हम सब की माता ने महाआरती से भी कोई ज्यादा जरूरी काम बढ़ गया से सर पे। और हम सब माता कुसुम सुंदरी के स्थान पर उसने बिठाना चाह रहे हो। छी, ऐसा मत बोल लो। एक देवांशी की मजबूरी हम सब समझे हैं। जिस औरत का पति शादी के दिन ही अपाहिज हो गया, उसने अपने पति के अलावा और किसी चीज की सुध कैसे हो सके? ऐसी बातें ना कर। इब हर कोई महाराज जैसा तो नहीं हो सकता ना, जो अपने अपाहिज पति का ख्याल भी रखे और गांव की जिम्मेदारी भी निभाए। इब क्यों होगा माता सुंदरी? आरती कैसे होगी? चलो आज यो महाआरती मैं कर देती हूँ। कर सके